भाई जो पुस्तक हम ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रही है, देखते हैं ट्राई करते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। सो लेके आ गए आप सबके लिए एक नया व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में आपको पता होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, जिसने भी लास्ट व्लॉग मेरा देखा उसको पता चल गया होगा मैं कहाँ पे आ रखा हूँ अभी। और नहीं देखा है तो मैं इस टाइम हूँ बनारस में, वाराणसी में। कल दोपहर की बस थी हमारी 1 बजे की, तो शाम को पहुँच गए थे हम, 5-6 बजे के आसपास पहुँच गए थे। सो उसके बाद नाइट में स्टे किया और अभी नेक्स्ट डे हमारा, और आज हम जा रहे हैं जो काशी विश्वनाथ है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और गंगा माता है यहाँ पे। सो उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। सो व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है आज का, सो बने रहिए व्लॉग में लास्ट तक, चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बाय। अभी मैं बनारस में हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मतलब सुबह के 10 बज चुके हैं, तो वो देख सकते हो आप अभी भी यहाँ पे कितनी धुंध है। ये देखो नीचे गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे कुछ बहुत सारे बुआ जी घर आ रखा हूँ मैं, तो उनको पौधे लगाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं अलग अलग तरीके के। और देख सकते हो आप कितनी धुंध है, अभी भी कितनी धुंध है। और अभी हमने नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अभी हमको निकलना है इतनी ठंड में। सो निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली अभी हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में यहाँ से टैक्सी पकड़ के फिर जाएंगे आगे के लिए, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। ये देख सकते हो बनारस में कितनी यहाँ पे भीड़ हो रखी है। सो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस फिर से एक बार भोलेनाथ की नगरी में आ चुके हैं, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। हर हर महादेव, शिव शंभू, कैलाशपति महाराज की जय हो। अभी चल रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, कुछ दूर और रह गया बस। तो बस कुछ दूर और रह गया है, मंदिर पहुँचने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे एक बैड न्यूज़ मिली है कि मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हम, ये मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, तो बाहर लॉकर में रख के जाना पड़ेगा हमको। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी भीड़ हो रखी है, ये देखो यहाँ से मेन एंट्रेंस है और फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, बाहर लॉकर में रख के जाना होता है। सो गाइस फाइनली भोलेनाथ दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और फ़ोन अंदर अलाउ नहीं था इसलिए फ़ोन अंदर लेके जा नहीं पाए, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए भोलेनाथ के, साक्षात दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा भोले की नगरी में वापस आकर। तो तीसरी ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी 9 और बाकी रहती है। ये देखो ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से, और अंदर फ़ोन, ईयरफोन, कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। सो चलते हैं अभी आगे, फिर आपको दिखाते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली भोलेनाथ दर्शन करके वापस जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम एक पुस्तक ढूंढ रहे हैं जो हमको लेनी है, अगर वो मिलती है तो फिर लेते हैं हम, अभी तो कोई मिल नहीं रही है, मिलती है देखते हैं उसको, ढूंढ रहे हैं देखते हैं कहाँ मिलती है। गाइस ये यहाँ की मेन मार्केट है। वाराणसी काशी विश्वनाथ काफ़ी अच्छा बना रखा है इसको। तो वैसे अभी पुस्तक जो ढूंढ रहे थे हम वो मिली नहीं, तो अब जा रहे हैं, नहीं मिली क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो वैसे फाइनली देख सकते हैं मेरे को खुद ही मिल रखा है मैंने इसको नए स्टाइल में, और अभी हम काल भैरव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सो ये भी मेरे साथ है, चलते हैं काल भैरव दर्शन करते हैं, देखते हैं आगे मंदिर आ गया।
छोटू मजे में, ऊपर बैठा आराम से। जय काल भैरव, जय काल। जय काल भैरव। सो फाइनली गाइस यहाँ पे मंदिर बंद है, 3:30 बजे खुलेगा। चलो कोई नहीं, पास ही दर्शन करना पड़ेगा अभी। तो गाइस फाइनली अभी हम घर पे आ गए हैं, बहुत चलना पड़ा था तो चल चल के थक चुके हैं, अब थकान सी हो गई है। और अभी ट्रेन भी पकड़नी है, 5 बजे की ट्रेन है हमारी वाराणसी जंक्शन से, तो बीकानेर के लिए निकलना है। सो बहुत थक चुके हैं, अभी जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर निकलेंगे स्टेशन के लिए। सो अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।